तो आज तो बर्तन भी खुद ही धोने पड़ रहे हैं। आपने मुझे वो कर दिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। हमारे गए हुए हैं वो बख्तावर वगैरह छुट्टी, और ये थोड़े से हमारे नाश्ते के बर्तन थे जो मैंने कहा कि मैं एक अच्छी घरेलू सुगड़ किस्म की बन गए। सती सावित्री किस्म की बीवी की तरह धो रही हूँ, कोई हर्ज नहीं है। असल में जो फाइबर पीती हूँ ना मैं, वो तो चिपक ही गया है। हमने क्या किया कि हमने अपना जो डस्टबिन है वो हमने यहाँ रख लिया है। ये हाँ ठीक है, सिलेंडर ही होना चाहिए क्योंकि अब गर्मियाँ भी आ रही हैं और मच्छर वगैरह जो है वो आ जाएंगे, कीड़े मकोड़े सारे जो। मैंने अपनी जिंदगी में बर्तन बहुत कम धोए हैं। हाँ, ज्यादा क्यों नहीं धोए? इसलिए क्योंकि मेरे अब्बू नहीं धोने देते। अच्छा, मैं समझा शायद कम बर्तन थे इसलिए कम धोए। अब्बू ने हम तीनों बहनों को बड़े शौक से डॉक्टर बनाया है, तो वो मेरी अम्मी को कहते थे जो मर्जी करा ले, बर्तन ना तो आए ना कोई। लेकिन मेरे ख्याल में बर्तन धोना बड़ा जरूरी है। हाँ, लेकिन इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। कोई हर्ज भी नहीं, तो पता मैं खुद भी धो लेता हूँ। हाँ, मुजीब ने सुबह वाले बर्तन मुजीब ने धोए हैं और यहाँ से सारे बर्तन क्लियर भी किए हैं। इतना क्लियर किचन बख्तावर के जमाने में नहीं होता। वाह जी वाह। नहीं होती है तो फिर हम दोनों मिलके क्लियर कर देते होते हैं। तो मुझे दूध बहुत सारा जमा है। नहीं, जमा हुआ तो नहीं है, सही पड़ा हुआ है। दूध, देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेयर मिल्क। अच्छा, इन द फ्रिज। ओके, तुमने कहा जमा हुआ, मैंने कहा जमा हुआ तो फिर सही बन जाता। जमा हो गया, जमा जमा। ओके, प्लस हो गया है जी। मेरे ख्याल में उसके कोई बनाते हैं डिजर्ट। अच्छा, डिजर्ट का भी है कि मैं डिजर्ट अच्छे बना लेती हूं। हाँ भाई दी, मैं गवाही दे सकता हूँ इसका, जब बहुत अच्छे। मैं अपनी फैमिली में सबसे अच्छे डिजर्ट्स बनाता हूँ। शुरू में जब मैंने पहली दफा बनाया था ना कस्टर्ड, तो उसमें पड़ गया था धुआं और मैं रोने वाली हो गई थी, लेकिन अम्मी ने मुझे कुछ कहा ही नहीं। वो मैं रोने वाली इसलिए हुई, मैंने कहा वो लितर पड़ेगी अभी अम्मी से, लेकिन अम्मी ने कुछ नहीं कहा। वो इसीलिए ना तुम्हारा रोना काम आ गया ना। उल्टा अम्मी ने मुझे प्यार किया। रोना काम आ गया ना भाई। नहीं, रोना काम नहीं आया, डांट ना पड़ना काम आ गया। अगर अम्मी मुझे उस वक्त डांट देती तो डिस्करेज हो जाती मैं, फिर मैंने कभी डिजर्ट बनाना ही नहीं था। ऐसे ही है। लेकिन ये अच्छा, मैंने सारी अपनी कुकिंग, उन्होंने समझदार माँ वाला काम किया जी, अपनी अम्मी से और मुजीब की अम्मी से मैंने कुकिंग काफी सीखी है। तो मैं अभी कोई अच्छा सा बनाती हूँ डिजर्ट है मुजीब। आज के ब्लॉग में ना वो डिजर्ट दैट इज वेरी इजी, सबको बहुत फायदा होगा और सबने वो बनाना है, फिर मुझे बताना है कि वो कैसा बना। मतलब मैं एवी वाली रेसिपीज नहीं देती, मेरी रेसिपीज बड़ी यूनिक होती है जो आपको यूट्यूब में भी नहीं मिलेंगी। टूट गया। ये अल्लाह मियां ने कहा है कि अभी वो ना मारो, ज्यादा ना छोड़ो। नहीं नहीं टूटा, नहीं टूटा, बच गया। गर्म साइड खोल लो ना। नहीं मुझे मुझे गर्मी लग रही है। अच्छा, ये देखो तो बर्तनों को जो चमकाने का एक वो है तरीका। क्या बात है, फिक्र खाने वाले बर्तन ही ना धोते। क्या बात है, क्या बात है, चमक रहे हैं यहाँ से भी, चमक रहे हैं। बस मैं फटाफट ये करती हूँ, डिजर्ट बनाते हैं। डिजर्ट भी 5 मिनट में बनता है। एक कमेंट आया था आसमा सदीक का। आसमा सदीक ने कहा था कि आप बहुत छिछोरी हैं। अच्छा। तो आसमा सदीक आप बहुत बदतमीज हैं। सही रहा है फिर, चंगे रहे हो फिर। ये कोई बात तो ना हुई कि हम एक दूसरे को ये कहते रहे। तो खैर ऐसे नहीं कहना होता। और बड़ों के साथ बस यार, जबान जो है ना, कहते हैं कि जबान में हड्डी नहीं होती है, लेकिन जबान कई दफ़ा इंसान की हड्डियाँ तोड़वा देती है। वन शुड कंट्रोल वन्स टंग। किसी बेचारे को कोई चीज बुरी लग जाए वो फिर आपको आखिरी जहान में उसका वो तो देना ही देना है। ये तो हम लोग रियलाइज ही नहीं करते ना। एक लफ्ज आपका जो हम समझते हैं कि इधर ही जो है ना करें, लेकिन एक लफ्ज निकला हुआ आपकी जिंदगी को इधर से उधर कर सकता है। अगर टीचर एक लफ्ज में कह दे कि तुम बिल्कुल किसी काम के नहीं हो, तो वो बच्चा सारी जिंदगी कॉम्प्लेक्स रहेगा। और अगर उसकी तारीफ कर दो और उसको वो कहो कि जी हाँ यू कैन डू इट, यू कैन डू बेटर, तो वो उसकी जिंदगी बदल देगा। सही है। ये है जनाब सूरत हाल। ये मैंने इसलिए नहीं धोया क्योंकि मैं इसकी भी आपको बताती हूँ, इसके अंदर बहुत सारी है पत्ती।
इसमें तो निकल ही आएगी। अच्छा मुझे तो फिर मैं ये करूंगी कि मैं इसमें निकाल लूंगी। हाँ दैट इज गुड, क्योंकि ये हमारा ना क्लॉग हो जाता है अदरवाइज। हाँ ये ठीक है, अब ठीक है। मैं भी यही करता हूँ। इसको धोते हैं, दूध पड़ जाता है, ये लास्ट वो है, इसको धोते हैं और फिर बनाते हैं जनाब डेजर्ट। फिर हम डेजर्ट बनाएंगे। जी हाँ, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। मुझे पता है कि आप सब लोग वेट कर रहे हैं, बट आई एम ऑल डन, ऑल डन। ये मुझे और मुझे दोनों को ओसीडी है। अब मुझे तो बड़ी सारी प्रॉब्लम हो जाती है अगर जरा से भी कहीं नजर आ जाता। देखें चमक, देखें चमक, देखें चूल्हे, ये देखें क्लोज अप दिखाए ना मुझे कैसा साफ हुआ, कैसा चमक रहा है, शाइनिंग। ये देखें, इसको भी हम साफ कर देते हैं। अब हमारा किचन बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन हो गया, तो अब हम बनाते हैं जी अपना डिज़र्ट जो मैंने सोचा है ना, उसका नाम है कॉफ़ी डिलाइट। और ये बहुत ही क्विक बनने वाला है और ये कोई आम सा डिज़र्ट भी नहीं है। ये अगर आपने कोई अच्छा डिनर प्लान किया हुआ है और उस वक्त ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें बन रही होती हैं जो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, तो डिज़र्ट जो कि बहुत अच्छा भी लगे और लोग उसको अप्रिशिएट भी करें वो बनाए। और ये मैं जब बनाऊँगी तो आप सारों ने भी बनाकर इसको खाना है, बट प्रोवाइडेड इसके लिए शर्त यह है कि इट शुड बी फ्रिज में कम से कम एक दो घंटे रख के ठंडा किया हुआ हो, और फिर बनाकर आप उसकी पिक्चर भी मुझे सेंड कर सकते हैं। अंजुम रहमान इज़ माई आईडी ऑन इंस्टाग्राम, उसके ऊपर आप उसकी पिक्चर या टेस्ट करके आप यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फिर आपको उसका टेस्ट कैसा लगा। एंड यू लव इट, और लोग इन्ग्रीडियंट पूछते ही रह जाएंगे, और ये बड़ा यूनिक है, बड़ा डिफरेंट है। लेट्स गो एंड मेक इट। ये गुड डॉक्टर मैं देख रहा हूँ, इट्स वेरी गुड सीरीज, यू मस्ट वॉच। और वो मुझसे बाबा से पिया नहीं जाता है, क्योंकि एक कप बाबा पी लेते हैं, एक कप मैं पी लेती हूँ, तो एक लीटर में काफी होता है। तो ये फिर देखें जमा हुआ है, और ये देखें इसका रंग पीला है क्योंकि ये गाय का दूध है। और मलाई मैं इसके अंदर ही डाल रही हूँ ताकि क्वालिटी ऑफ कस्टर्ड थोड़ी बेहतर आए। ये मैंने एक लीटर गाय का दूध, आप लोग वो ले लें दूध जो आपके घर में है, हाँ जो भी है। और ये मैं थोड़ा सा यहाँ कर रही हूँ कि मैं इसका कस्टर्ड मिक्स कर लूँगी। ठीक हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कस्टर्ड कॉफी फ्लेवर का तो आता ही नहीं है, नहीं आता है, लेकिन हम इसको कॉफी फ्लेवर का बनाएंगे, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे मिलके करते हैं। ये वाला देख रहे चूल्हा, ठीक है, इतने इसमें कर लेते हैं। कस्टर्ड की तो रेसिपी वही है, थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे शुगर, शुगर 1, 2, 3, 4 बस हाँ बस, हमारे लिए बहुत है। फिर ना कहना कि चीनी, खैर खुद मिठास मिठास। हाँ अच्छा जी, कस्टर्ड लेना है वनीला, हाँ कोई सा भी ले लें, ये ना समझना कि रिफाइन ही लेना है। वनीला जी, वनीला इज बेटर, बाकी बहुत ज्यादा नहीं, मैं कंपनी कह रहा हूँ, रिफाइन के अलावा भी कंपनी है ना, हमें क्या जरूरत है कि हम हाँ देखना, उंगली बचाओ दे देते हैं, बहुत देते हैं, मैं तो बहुत शाउट आउट देती हूँ। ये देखिए वनीला का कस्टर्ड है, एक लीटर दूध में एक, दो, बहुत थिक नहीं करना, और ये तीन, थोड़ा सा और डाल लेते हैं, मैं बहुत थिक नहीं करना चाह रही। ठीक है ठीक है, ज्यादा ना हो जाए, मुझे भी है नहीं ज्यादा नहीं होता है। और इसका कॉफी फ्लेवर बनाने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी, कितनी मेहनत कर रही हूँ देखिए, मेरी उंगलियां भी इससे,
ये हम डाल रहे हैं इतनी सी, जितनी मर्जी डालें। ये मैंने डाल ली कॉफी, ज्यादा ना डालो वरना मीठा काम है तो कहीं कड़वे ही ना बने। नहीं नहीं कहाँ कड़वा, तो ये इतनी कॉफी एक लीटर दूध में कुछ भी नहीं कहती। हाँ फ्लेवर आएगा कॉफी का, कहाँ से आएगा? कस्टर्ड में से। अच्छा मैंने कहा शायद कहीं गया है, वहाँ से आ रहा है वापस। जी मसूरी मिल ना जाए। और अब जोक पे जोक डाले जा रहे हैं। मसूरी कहाँ से मिलेगी? बस जैसे ही पता चला ना, बंदा थोड़ा होता है, थोड़ा शर्मा जाता है, थोड़ा बंदा कहता है नहीं, अब मैं कभी कभी अपने कोई पाएदार किस्म के जोक्स बोलूंगा, लेकिन बाबा 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 ने शो में आके दागने शुरू कर दिए जोक्स। अच्छा ये दिखाइए ना मुझे क्लोजअप। अच्छा ये देखें जी, ये अब वनीला का कस्टर्ड है, ठीक है, इसकी गुठलियाँ हम वो ख़त्म कर रहे हैं और बीच में मैंने डाल दिए कॉफ़ी। ये अब बन जाना है कॉफ़ी फ्लेवर का कस्टर्ड। ठीक हो गया। गुठली ना रहे कोई भी। नहीं गुठली कोशिश ये बहुत ले बड़ी डिश है, छोटी वाली ले लेते हैं। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था चल बे, और पहले भी हम ये बनाते हैं और फ्रिज में रखना भी आसान है इसको भाई। चल बे चल बे चल, स्मार्ट स्मार्ट। ये भी गर्म होगा ना इसमें, तो ये बाकी भी पिघल जाएगा। जल्दी करें स्मार्ट बॉय, टाइम वेस्ट ना करें। चलो देखना तो याद से करना। मैं तो मुझे किचन का तो मैं वो कर देती हूँ ना जल्दियों में, सत्यानाश मैं रखूँ तो मैं ये सारा कुछ गिरेगा, ये बाद में करते हैं, पहले रेसिपी दे दें। ओके दूध इधर हमारा हो गया है बॉयल, ऑलमोस्ट हो गया, ऑलमोस्ट ओके बॉयल हो गया। और ये मैंने अनथक मेहनत से मेरी अनथक मेहनत से हाँ सब कुछ मिल गया, अनथक मेहनत सबसे मुश्किल पार्ट स्टरिंग ही था। अंजुम अब इसमें डालते जाते हैं और इसको हिलाते जाते हैं। पता था करें ऑन करें ऑन करें, उबाला आया उबाला आया उबाला। ये देखिए बिफोर दैट के ये गिरे। अच्छा स्टरिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए स्टरिंग तेज तेज करें ताकि वरना क्या वरना फिर इसमें वो लम्स बन जाते हैं ना। अच्छा ओके हाय हाय मैंने ज्यादा ही मुझे ये घोल लिया। क्या घोल लिया? ये मतलब कस्टर्ड, ये बीच में से मुझे छोड़ना पड़ेगा, रोज आया हो जाएगा। क्यों थिक हो रहा है? थिक हो रहा है नहीं खैर कोई बात नहीं, अंजू थोड़ा सा और डाल दो। डाल दो डाल दो फिर सारा डाल दो यार। नहीं यार नहीं बिल्कुल गाढ़ा मतलब जरूरी है कि व्लॉग के अंदर भी डांट मूंट से खानी है। ये क्यों कहते हैं कि मर जावा गुड़ खाने, पता नहीं ज्यादा गुड़ खाने से कोई बैकग्राउंड होगा, ज्यादा गुड़ इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। अब जरा अपने इन शुभ हाथों से देखें कि इसकी कोई थिकनेस का कोई है, ये डल सकता है किसको जाया कर दिया जाए। मुझे मुझसे मत पूछो, इसमें कॉफी है, मुझे मत पूछो, ठीक है ना? हाँ ठीक है, जरा सारा डालो, हिलाते जाए, हिलाएं 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 स्विफ्टली, इससे ज्यादा नहीं गाढ़ा करना है। देखिए ठीक है, दिखाएं लोगों को क्लोज अप दिखाएं, ये देखें जी ये अब कॉफी वाला कस्टर्ड हमारा, और कॉफी की खुशबू ऐसे लग रहा है जैसे कोई यहाँ पे मतलब कॉफी शॉप है। इसको थोड़ा सा पकाया है, इंपॉर्टेंट लग रहा है जी। वैसे तो कस्टर्ड जो ही मतलब अपना गाढ़ापन में आ जाए कस्टर्ड तैयार हो जाता है, लेकिन मैं वैसे थोड़ा एज अ रिचुअल पका रही हूँ, ना पकाएं बेशक, क्लेम कर दिया हमने ऑफ, तो कुकिंग हमारी यहाँ पे हो गई है खत्म। इसके ऊपर मैं ढक्कन दे दूं जी? नहीं इधर इसको खुला रहने दें ताकि ठंडा हो। अच्छा ओके ठीक है, अब आप सामने आ जाइएगा। हेलो, ये मैं कस्टर्ड रख रही हूँ वापस, साथ के साथ आप अपनी चीज़ें संभालते जाएं। कस्टर्ड हम हमेशा इधर रख लेते होते हैं ताकि हमारे कस्टर्ड में कीड़े वीड़े ना पड़े और पुराना ना हो जाए। अब ये हमारा हो गया, अब हमने इसको कंप्लीशन की तरफ लेकर जाना है, तो इसको हम थोड़ा सा करेंगे ठंडा, ये खुद ही ठंडा होता रहेगा। फिर हमने ले लिए मुजीब मैरी के बिस्किट, मेरी मेरी खा रही थी हमने से छीन ली। मेरी कौन है?
मेरी मेरी आंटी जिसके बिस्किट है पहले बाबा से पूछो मेरी कौन है, मेरी वो है जिसे ये बिस्किट खा रही थी। फंस गया हूँ टर्नॉल लगाओ फंस गया, टर्नॉल लगाए, जल गया, टर्नॉल लगाए। अच्छा ये देखें जी, इसको अब हमने चूरा चूरा कर दिया। मेरी बिस्किट्स ही ले लें, कैंडी बिस्किट्स या जो गोल वाले ब्लैक होते हैं वो कौन से होते हैं? ओरियो वो नहीं, वो और ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो और क्रीम वाले उसमें होते हैं, लेकिन आपने इनको मुझे भी अब क्लोजअप दिखाए ना, बस इतना इतना। अच्छा ज्यादा नहीं, नहीं ज्यादा कर दिया तो। अच्छा मुझे बड़ा वाला लाना चाहिए था ना आपको, बिस्किट ज्यादा होने चाहिए थे। अच्छा जी, वो तो मैं हम अब इससे भी छोटी डिश ना ले लें। नहीं नहीं इससे है ना, ठीक है चलो ठीक है। वैसे मैं इतनी ये मजे की बनती है ना और ये इतनी जल्दी बनने वाली वो है ना रेसिपी, ये हमने इनको तोड़ लिया। ठीक है ठीक है, इसको भी तोड़ दो। ओ बाबा का ओसीडी वो, और और क्या तोड़े, आधे आधे रह गए थे ना, आधे ये रह गया। चलो आई मुझे यू आर जस्ट नहीं ओ ओ यार मुझे यार ये जैसे होने चाहिए ना, सिमेट्री तो होनी चाहिए ना, बच्चों वाली हरकतें मत करें, सिमेट्री होनी चाहिए। ये हो गया जी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 ओके गुड। अब मैं आपको बताती हूँ इसके बाद है क्या है स्टेप नंबर 3। सॉरी खूब जीत की आ गई, स्टेप नंबर 3। ये क्या करने लगी अब जी, आपने कैमरा ऑन कर लिया? हाँ। वाह भाई वाह, भाई दिखाना है ना लोगों को ये, मुझे इसको ना हाँ ये ज्यादा हो गया, इसको आप करके लाएं, 30 सेकंड्स दे के लाएं जरा। अच्छा माइक्रोवेव में इसका क्या करना, क्विक 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 क्विक, क्रीम भी पड़ी, क्रीम भी पड़ी, क्रीम क्रीम भी पड़ी है ले दी, 30 सेकंड्स दे दिए हमने। हल्का या ज्यादा ये मुझे नहीं पता, ये हमने ले लिया चम्मच, स्पून, स्पून की हेल्प से आप ये इन सोक कर ले दूध से। अच्छा ओके, करीब से दिखाए ना, तो ये जरूरी है क्या कि अगर तो क्रिस्प रखना चाहते हो, क्योंकि कस्टर्ड गाढ़ा है वो इनको इस तरह नरम सौगी नहीं करेगा, मुझे सौगी पसंद है। अच्छा सबसे क्रिस्पी बड़े मजा करता है, नहीं क्रिस्पी लगेगा कि बिस्किट ही है। अच्छा। सौगी जो है वो टेस्ट आएगा मैरी बिस्किट का, लेकिन खाने वाले को समझ नहीं आएगी कि वो क्या खा रहा है। अच्छा, समझ आई, अदरवाइज तो पता लग जाएगा कि ये बिस्किट्स हैं। सो वी आर जस्ट पुटिंग ये मैरी बिस्किट्स के ना खुशबू ले और इसको मैं डस्टबिन में डालती हूँ और साथ ही हम अपना ये काउंटर थोड़ा सा कर लेते हैं साफ, इसको हम साइड पे करते हैं, ऑन कर लेते हैं जी साफ। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसके ऊपर आपने अपना ये कस्टर्ड जो है इसको उंडेल देना, दे देना, दिखाएं ये इसकी मैं सारी मलाइयाँ शलाइयाँ सिक्योर कर रही हूँ। ये देखो सही कलर आया ना, तुमने और कॉफी डालने लगी। नहीं मैं और भी मुझे अगर डाल लेते तो कॉफी लवर्स को तो पसंद ही आएगा, ये वैसे भी बहुत मजेदार बनता है। ठीक है इसको हम यहाँ रखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारा इस के ऊपर चला गया। क्या खुशबू आ रही है और ये इतनी डिफरेंट, ये कब जब आप बनाएंगे ना अपने डिनर्स वगैरह पे, ये कभी किसी ने खाई नहीं होगी आई बेट यू।
जो मेरी बिस्किट का एक कोना मुझे पकड़, इधर से एक हाथ इस इसका ये पकड़ लेना तो मैं इसको मेरी बिस्किट का कोना नजर आ। अच्छा मैं जब शादीशुदा नहीं थी ना तो मैं फिर कस्टर्ड वाला डोंगा देज का चाटती थी। हाँ नहीं नहीं यार अल्लाह की कसम मुझे इसीलिए हमारी शादी में थ्रू आउट बारिश होती रही है। चलो हमारी मतलब ये भी कोई गाइस हमारी शादी वेडिंग डेट जो है ना 8888 ऑल द एट्स ऑल द एट्स सो नो वन कैन फॉरगेट इट। ये अब खाऊंगी मैं। वाकई तो क्या कर वेरी बैड ये अब यहाँ तक तो होगी ये हमारी रेसिपी रेडी। तो अभी इस तरह करते हैं गाइस कि मैं और बाबा पढ़ लेते हैं नमाज ठीक है क्योंकि मगरिब की अजान होगी भाई देख लें हल्का हल्का अंधेरा हो रहा है भूख भी बहुत अजान भी आ रही है आवाज आ रही है ना और नमाज पढ़ते हैं तब तक इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ कि ये ठंडा हो जाए क्योंकि इसके ऊपर फिर नेक्स्ट जो स्टेप है वो हम आपको दिखाएंगे आपको दिखाएंगे बताएंगे सरप्राइज। सो कहीं पर भी नहीं जाना अभी ये तकरीबन तैयार होने वाली है और कितनी मजे की होती है ये आप खुद बनाएंगे और फिर आपको पता लगेगा कि आपके मामा ने कभी भी आपको कोई चीज गलत राह पे नहीं डाला आपके मामा ने। ठंडा हो गया ठीक और यहाँ पर बाबा से मैंने मंगवाई थी क्रीम मिल गई मुझे इसको थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा ले ला के दे ला देता हूँ और खोल भी देता हूँ खोलना कौन सा मुश्किल है ठीक है खुद ज्यादा हिल रहे हैं नहीं ओके 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 इतनी थोड़ा सा हिलाए शेक इट शेक इट चलो इसके ऊपर हमने डालनी है जी क्रीम डिजाइन बनाओ डिजाइन बनाओ जी भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। हाँ बस चलो बस फिर मत फिर डिजाइन ना बनाओ काफी है बहुत है ठीक है। इधर से जरा मुझे स्पून दीजिए स्पून हजूरे वाला छोटा बड़ा ये वाला हाँ ये हजूरे आ लिया दरअब ड्रॉर बंद कर दें इसको हम इसके ऊपर करेंगे फैला देंगे ठीक है। ज़्यादा ही मुजीब आपने फ्रीज़र में रख के क्रीम जमा दी है। अच्छा जी गलती ये हुई है कि वो बहुत ज़्यादा फ्रीज़र में वो हुआ हुआ था फ्रीज हो गया फ्रीज हुआ हुआ था और वो इसके ऊपर फैल नहीं रहा था तो मैंने फिर उसको उतार के बोल में इसको थोड़ा सा मैंने ये कर लिया है ठीक है। अभी आप इसको इसके ऊपर आराम से मतलब जुगाड़ हर चीज़ का है करना ही पड़ेगा जाहिर है क्योंकि गलत रेसिपी तो मैं दे नहीं सकती। ये इसके ऊपर हमने डाला ठीक हो गया क्रीम अब इसको इसके ऊपर हम लेंगे फैला थोड़ी सी इसका कलर ऐसा हो गया बट इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अगर आपने पूरा पैकेट डाला तो फिर ये पूरा ऊपर फैला सकते हैं पर मैं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ये फिर हैवी हो जाएगा है ना तो इसलिए मैं इसको इतना ही फैला रही हूँ इतना और ये वाइट ही होनी चाहिए। तो ये हो गई हमारी क्रीम और उसके बाद हमने अपना ये लिया चॉकलेट ये चॉकलेट डेरी मिल्क वाली है जिसमें के हमने इसमें वो नहीं है ड्राई फ्रूट्स नहीं है प्लेन वाली चॉकलेट है ये ठीक और इसके मोटे मोटे चंक्स इसमें डालेंगे ये इसके ऊपर ये बहुत मज़े के आते हैं थोड़े मोटे मोटे बेशक डालें ये देखें ये देखें ये देखें Yeah.
खूब लिबरल तरीके से ना चॉकलेट डालनी है इस पे। हाँ उसका अपने मजा आता है। चॉकलेट के जो मोटे मोटे ये चंक्स हैं एंड मैरी बिस्किट्स क्रीम सब कुछ ठंडा हुआ हुआ, खुदाई कसम आप कहेंगे कि पता नहीं ये मामा के लोर ने बता क्या दिया है। और मुजीब गवाह है, मुजीब आपने तो ये काफी दफा खाया है ना, इसमें से भी एक एक ले लें हम। ये क्या बन गया? चॉकलेट कॉफी डिलाइट। और मैं आपको बताऊं ये जिस दिन बनेगा उस दिन तो मजे का तो लगेगा ही, लेकिन भाई नेक्स्ट डे भी जब आप इसको निकाल कर खाएंगे ना तो उधर ही बड़ा मजा करेगा। ये वाह जी वाह, ठीक हो गया। अभी हम इसको फ्रिज में रख देंगे जी, फिर थोड़ी देर बाद खाने के बाद खाएंगे, है ना। ठक ठुक की आवाज़ आ रही है, ज़रा देखते हैं कि अंजुम क्या कर रही है, ज़रूर कार्रवाई हो रही। मैं भी सारों को ये बता रहा था कार्रवाई हो रही। मुझे ये नहीं करें। मैं इसी तरह मैं उस कमरे में गया था, मैंने टीवी नहीं लगाया था, आई न्यू इट कि तुमने ये करना है। खाना हमने खा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। मुजीब जरा ट्राई तो करें कि क्या कैसा बना है। ठंडा हो गया ना बहुत, बहुत अच्छा हो गया, अच्छा ही ठंडा लगता है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ले मैं तो जो चॉकलेट चॉकलेट लूंगी। और ट्रू बी ऑनेस्ट, सही ओपिनियन दे, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। मैं भी चख के बताती हूँ। चीनी वगैरह मैंने कहा था ना और ना डालो, बिल्कुल सही है चीनी। मैंने कहा था 4 चम्मच, लेकिन मैंने आंख बचा के हल्की सी, अगर आप लोगों ने नोट किया हो वीडियो में, तो पीछे से डाल ली थी थोड़ी सी आधी जी, आधा चम्मच मैंने और डाली थी। और जनाब बहुत मजा आ रहा है, खासतौर पर चंक्स जो आ रही है ना इसके चॉकलेट के, उसको तो मजे को डबल ट्रिपल कर रहे हैं, नहीं मुझे। और आपको मैं बताऊं, ये इसका पता नहीं चलेगा कि ये सारा कॉफी और चॉकलेट और क्रीम का जो एक ब्लेंडेड सा आता है इंग्रेडिएंट्स, इतनी समझ नहीं आती ये कैसे बने। या बहुत अच्छा बना, थैंक यू।